नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। मोहना की अनाज मंडी में गेहूं का उठान न होने के कारण जाम की स्थिति बन गई है, जिसके चलते आढ़ती व किसान वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यदि समय रहते गेहूं का उठान नहीं किया गया तो मौसम के करवट लेते ही मंडी में पड़ा करोड़ों रुपए मूल्य का गेहूं बरसात की भेंट चढ़ सकता है। इस संदर्भ में मंडी आरती संबंधित एजेंसियों व मार्केट कमेटी के अधिकारियों से भी गेहूं के उठान की मांग कर रहे हैं और अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है। वहीं गेहूं की खरीद का कार्य भी धीमी गति से जारी है। मंडी में लगातार आ रही गेहूं की फसल की खरीद होने के बाद जिसकी सप्लाई व झराई का कार्य होने के बाद उन्हें बोरियों में भर भर कर रख दिया गया है। अब इन बोरियों को ना उठाए जाने के बाद आढ़ती व किसान इसके उठान के इंतजार कर रहे हैं, ताकि गेहूं के उठान के बाद ये गेहूं गोदाम में सुरक्षित पहुँच सके और गेहूं की फसल का जल्द भुगतान हो सके। यदि मौसम ने करवट ली तो मंडी में पड़ी गेहूं की बोरियां बरसाती पानी की भेंट चढ़ने से खराब हो सकती है। ये माल उठना चाहिए, कब से नहीं उठ पा रहा है माल? डेली जा रही है, दो चार गाड़ी तो डेली जा रही है, लेकिन और लगानी चाहिए, और लगनी चाहिए गाड़ी। अरे पौन सात गाड़ी लग रही है, इनसे क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, माल ठेकेदार की लापरवाही है। ऐसा ठेकेदार ज्यादा कमाने के चक्कर में लगता है बहुत सारे ठेके लिए हुए उन्होंने, तो ऐसा लगता है कि वो और जगह से उठाव कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। और हाँ तो कर रहे हैं, मंडी से, हर मंडी से कर रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं। तो ऐसे में तो किसानों की जो पैसा है वो भी बहुत लेट आएगा। पैसा तो लेट ही आएगा सबको, जब माल उठाएगा जब तो माल पैसा आएगा। पैसा कहाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि खपत भी कम हो रही है, दिक्कत हो रही है। 72 घंटे में जो है किसानों को पेमेंट करने की बात करते हैं सरकार, जब यहाँ से जाएगा नहीं, गोदाम तक माल नहीं जाएगा, तो ऐसे में लेट होगी पेमेंट, कौन जिम्मेदार है इसका? लेट होती है करते सरकार होनी चाहिए, पैसा नहीं, जिम्मेदार तो परेशानी होगा। जो ठेका जिस कंपनी को दिया हुआ है माल उठाकर ट्रांसपोर्ट कराने का, क्या वो लगता है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी लापरवाही है, क्या कुछ कहना है? हाँ जी, उनकी लापरवाही है, जब टाइम पे ही ना पहुँचे किसानों को पैसा कहाँ से मिलेगा जी? किसानों को टाइम पे पैसा मिलेगा सब काम होंगे, माल ही नहीं उठेगा, खपत नहीं होगी, यहाँ तो उठ के नहीं जाएगा तो पैसा मिलेगा कहाँ से? मंडी पूरी भरी पड़ी है, लगता है कि गोदाम में जगह भी, माल में जगह भी नहीं है मंडी में, पूरी जगह ही नहीं है जी, खलने के लिए ट्रॉली खड़े रहते हैं 1 घंटे ट्रैक्टर। अच्छा, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? अब कहना का जी, ये माल उठना चाहिए जी यहाँ से जल्दी जल्दी, पेमेंट आनी चाहिए किसान लोगों की, जो परेशानी होगी जी, देखो आगे भी जो काम चले। पैदावार पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने और यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के लिए चालान काटे गए। गौछी इलाके में यातायात पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के जमकर चालान काटे गए। दोपहिया व बड़े वाहन चालकों से कागजात पुलिस के द्वारा चेक किए गए और सड़क पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों को भी चालान देना पड़ा। यातायात पुलिस के कर्मचारी ने बताया कि सड़क पर निकलते समय यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षा के साधनों के साथ सड़क पर निकलें और साथ ही वाहन चलाते समय पूरे कागजात अपने साथ रखें। उन्होंने कहा कि बड़े वाहन जो बिना परमिशन के शहर के अंदर आ रहे हैं, उनके भी कागजात चेक कर चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को यातायात नियमों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगी है। दरअसल महंगे ईंधन ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दिए जाने वाले सब्सिडी के चलते भी मांग बढ़ी है। 2021-22 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स 5.6 गुना बढ़ी है और 2020-21 में कुल 41,040 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री हुई थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 2.3 लाख हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद लोगों का रुझान सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है। दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं, लोगों का बजट गड़बड़ा गया है, ऐसे में लोग सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जाहिर है भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत ज़्यादा हो, लेकिन ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की तरफ रुख करने लगे हैं।
चलिए खबरों में बात करेंगे अब सेक्टर 56 में पराली के चलते हुए हादसे के बारे में। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में पराली जलाते समय बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि खेतों में पराली में लगी आग धीरे धीरे पास में बनी झुग्गियों तक पहुंच गई और झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा, जिसके चलते सभी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में जहां लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तो दो बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया गया। तो वहीं इस आग की चपेट में आने से एक पशु की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों को अपनी झुग्गियों से सामान निकालने तक का भी मौका नहीं मिला। सारे लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। वहीं लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि थाना पास में होने के बावजूद भी पुलिस की उन्हें कोई मदद नहीं मिली और जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका था। इस आग में जान पर खेलकर स्थानीय लोगों ने दो बच्चों को बचा लिया, लेकिन इस आग में घुसने से एक पशु की दर्दनाक मौत हो गई। इस आग में एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्कशॉप मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 32 विभागों के नोडल अधिकारी और सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य चार मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, मलेरिया, डेंगू और टीवी की रोकथाम तथा तंबाकू के दुष्प्रभाव जैसे गंभीर विषय शामिल रहे। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर विनय गुप्ता के अलावा डिप्टी सिविल सर्जन और मलेरिया डेंगू विभाग के नोडल अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। इन मामलों से जुड़ी जानकारी और रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे आने वाले बरसात के मौसम में इसे कम किया जा सकता है। वहीं तंबाकू की रोकथाम को लेकर तथा इससे संबंधित बनाए गए कानूनों की जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से INGO ने विस्तार से इस पर प्रस्तुति दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण विषय को लेकर चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से वो 1 मई को आदेश पारित करने वाले हैं कि सभी जगह प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक का यूज बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से INGO द्वारा तंबाकू के सेवन को लेकर होने वाले दुष्प्रभावों और इससे संबंध में बनाए गए एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि कैसे सार्वजनिक स्थानों पर और सरकारी विभागों में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बारिश का मौसम आने वाला है और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं इस पर चर्चा की गई, ताकि आने वाले समय में इन केसों में वृद्धि ना हो सके। जो मेन कमेटीज होती है, जैसे नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में हेल्थ का क्या रोल है, कोटपा का क्या रोल है, टीबी का क्या रोल है और मलेरिया की, चार डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसमें एक वर्कशॉप भी थी, बाकी कमेटी की मीटिंग चेज थी। तो जैसे जैसे सारे टॉपिक्स हैं, आप मलेरिया की बात करें, अभी हमारा रेनी सीजन अप्रोच कर रहा है, तो हमारे डिप्टी CMO साहब ने सभी डिपार्टमेंट्स को अवगत करवाया कि भाई मलेरिया के केसेस, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया हो, जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, उनके केसेस कम से कम हो। सभी डिपार्टमेंट्स जैसे MCF है, हुडा है, पब्लिक हेल्थ है, PWD है, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अधिकारी आए हैं, उनको सेंसिटाइज करवा दिया है कि आपने आने वाले 2-3 महीनों में क्या करना है जिससे हमारे मलेरिया के और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के केसेस कम हो। तो जलवायु को लेकर भी आपने और पर्यावरण को लेकर जैसे प्लास्टिक की बोटल्स और ये आपने गाइड किया है। दूसरा जो हमारी पहली मीटिंग थी नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मई ऑनवर्ड्स फरीदाबाद में जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम हितेशी है, मैं जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से हूँ। ये एक मोहाली बेस्ड NGO है जो कि टबैको कंट्रोल पे काम करता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे सब जगह काम हो रहा है। और आज फरीदाबाद में DLCC थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, जिसमें हमने लॉ इन्फोर्सर्स को बताया कि सेक्शन 4, 5, 6, 7 में कैसे कैसे चलान होता है, कौन कौन चलान कर सकता है, खुला तंबाकू बिक सकता है या नहीं बिक सकता,
कितने साल के बच्चे तंबाकू बेच सकते हैं, क्या बच्चों को बेचना चाहिए और अगर कोई बिकरा हुआ दिखता है तो उस पर क्या चलान हो सकता है। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोना की। टोल की समस्या को लेकर 18 अप्रैल को हजारों की तादाद में टोल संघर्ष समिति के तत्वाधान में धामडोस टोल को जाम किया जाएगा। इसी प्रदर्शन को लेकर संघर्ष समिति ने कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में टोल संघर्ष समिति के समस्त सदस्य व क्षेत्र के मौजूद लोग यहां पर मौजूद रहे और जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जब तक क्षेत्र को टोल की समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस मामले को लेकर सोहना SDM के समीप 12 अप्रैल तक का टोल प्रशासन ने समय मांगा था ताकि समस्या का समाधान किया जा सके, लेकिन वहां से कोई भी जवाब न मिलने पर संघर्ष समिति ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इस मौके पर व्यापार मंडल संघ के प्रधान ने बताया कि धरना प्रदर्शन को लेकर जल्द ही व्यापार मंडल संघ की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें सोना के व्यापारी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 18 अप्रैल को टोल जाम में पूरी तरह से सोना के व्यापार मंडल संघ संघर्ष समिति का साथ देगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। टोल के आसपास आने वाले लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा किल्लत और आसपास के दर्जनों गांव को है जिन्हें आए दिन इस टोल को पार करके अपने खेतों पर जाना पड़ता है। वहीं उनका थाना भी दूसरी तरफ पड़ता है। इस समस्या को लेकर गांव के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। गांव के लोग अभी तक टोल प्रशासन से कोई खुलासा नहीं किया है। जो प्रशासन है उन्होंने गाँव के लोगों से किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं किया है। इसी को लेकर आसपास के क्षेत्र के लोग पूरी तरह से संघर्ष समिति का इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। मंडल संघ और व्यापार मंडल ने अपना पूरा आश्वस्त किया है कि हम पूरा संघर्ष समिति के साथ हैं और हम जल्दी अपनी मीटिंग 2-3 दिन में बुलाएंगे और उसमें बिल्कुल ठोस निर्णय लेके बिल्कुल इनके जो अपना संघर्ष समिति कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। जिस तरह पहले SDM साहब ने मीटिंग आपके लिए तो उसमें कोई आपको कोई आश्वासन दिया टोल संघर्ष समिति या प्रशासन की तरफ से? नहीं, पूरा आश्वासन मिला था और ये कही थी 7 दिन बाद भाई हम इसमें कुछ ना कुछ ठोस निर्णय लेंगे। लेकिन आज हमारी टोल संघर्ष जो समिति है उसकी मीटिंग थी, उसमें हमारे सभी देहात से भी और शहर के सभी मौजूदा आदमी इकट्ठे हुए थे और हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया था। प्रशासन ने हमसे 1 हफ्ते का समय लिया था कि 1 हफ्ते में ये टोल संघर्ष समिति की हमारी जो मीटिंग हुई थी SDM साहब के यहाँ, उन्होंने कहा था कि ये 1 हफ्ते में हम आपको बता देंगे कि हमें कितनी छूट देनी है, किस इलाके को छूट देनी है, पास कितना कहां तक बनाना। तो उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, ना SDM को रिस्पांस दिया ना कमेटी को टोल वालों ने। तो उसके खिलाफ आज लोग इकट्ठे हुए, उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 18 तारीख को सुबह 8 बजे हमारे सारे इलाके के जितने भी 20-30 किलोमीटर में गांव है सब लोगों के आदमी टोल पर आकर बैठेंगे और टोल को जाम करेंगे और अपनी बात अपनी जो मांग है वहां रखेंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए अब अध्यापक गाँव में हर घर तक जाकर विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके तहत अभिभावकों व बच्चों को सरकारी स्कूलों के बढ़ते स्तर के बारे में जागरूक किया जाएगा व अध्यापक बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान बच्चों व उनके अभिभावकों को सरकारी स्कूल में हो रहे सुधारों व नई सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है जिसके चलते निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप में 10वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए आई छात्रा टिया ने बताया कि कैंप स्थित निजी स्कूल में पढ़ती थी लेकिन अब सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए वो आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है, इसके अलावा सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले अच्छे हैं। सरकारी स्कूलों में फीस भी कम है इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने का फैसला लिया है। से आई हूँ मैं, पहले कैंप में वेदांता पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी लेकिन मुझे अब उसमें नहीं पढ़ना क्योंकि उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है। अब हम सरकारी स्कूल में मेरा नाम हर्षिता है, पहले मैं धौलागढ़ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, अब मेरा एडमिशन यहाँ हुआ है सरकारी स्कूल में। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ की जो फीस है वो बहुत कम है और यहाँ पे बुक्स वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बुक्स एंड यूनिफॉर्म। मैं कैंप से आई हूँ, पहले मैं लड़की को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, अब मैं सरकारी में दाखिला करवाना चाहती हूँ क्योंकि प्राइवेट में
फीस भी बहुत ज़्यादा होती है और किताबें भी महंगी मिलती हैं और अब सरकारी में पढ़ाई भी। हमारे सभी विद्यालयों में क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ट्वेल्व तक का प्रेस उत्सव कार्यक्रम शुरू हो गया है। नए क्लासेज में दाखिले शुरू हो गए हैं और जितने भी हमने हमारे बच्चे हैं चाहे वो किसी भी क्लास में हैं, हमारा ये प्रयास है कि जो बच्चों का ट्रांजिशन है वो 100% हो। 100% ट्रांजिशन का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा आठवीं क्लास में है तो वो बच्चा, वो सभी बच्चे चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, 100% नाइन्थ क्लास में एडमिशन लें। पाँचवीं क्लास से कोई बच्चा पास होता है तो 100% बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां सभी बच्चे छठी क्लास में आए। हमने सभी को आदेश दे दिए हैं, हमारे पास निदेशालय से भी पत्र आ गया है कि प्रवेश उत्सव सभी विद्यालयों में मनाना है और जिस ये मुखिया की, विद्यालय मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो सभी TC काट कर पाँचवीं की, आठवीं की और दसवीं का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दसवीं की भी हम करेंगे 11th में, इन सभी TC को काट कर नज़दीक के विद्यालय में उन बच्चों को एडमिशन दिलाना है। और जो गर्ल्स एजुकेशन है उनका विशेष ध्यान रखना है कि लड़कियों को तो हर हालत में एडमिशन करना है कि उनका ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल जीरो रहे। चलिए खबरों में फिर से रुक करेंगे फरीदाबाद का। कहते हैं ना, जब कुछ कर गुजरने की अगर इच्छा मन में हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर देखने को मिला दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खेड़ी गांव में, जहां एक दंपत्ति जो कि शारीरिक रूप से तो अक्षम है लेकिन उनके कुछ कर गुजरने के और खुद स्वावलंबी बनने की इच्छा ने उन्हें अक्षम से सक्षम बना दिया। उनके अक्षम से सक्षम बनने में प्रधानमंत्री रोजगार योजना ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत उन्होंने लोन लेकर अब अपना अचार बनाने का बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते वो अब हर महीने अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं और अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद के खेड़ी इलाके की हैं, जहाँ इस दंपत्ति ने अपने अचार बनाने के काम को शुरू किया है। बता दें कि कोरोना काल में जब इनकी नौकरी चली गई थी तब इन्होंने उस को अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपना बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस बिजनेस को अपने पति के साथ शुरू करने वाली अंजुरानी ने बताया है कि उनकी सासू माँ घर पर अचार बनाया करती थी, उसी को देखते हुए उन्होंने अचार बनाने का बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई और फिर उन्होंने मानेसर जाकर अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और फिर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम के तहत मिलने वाले खादी ग्राम उद्योग के तहत उन्होंने 3 लाख का ऋण लिया और इस अचार बनाने के बिजनेस को उन्होंने शुरू किया। सर, ये मैं अपने घर से ही आइडिया लिया था। मेरी सासू माँ डालती थी घर पे अचार, तो कोरोना में हमारी नौकरी चली गई थी तो उस दौरान हमने सोचा कि चलो हम इसको बिजनेस बना लेते हैं। फिर हमने मानेसर के सिकोपुर से KVK से ट्रेनिंग ली और इसको बिजनेस बनाने की सोचा सर। आगे क्या किया फिर आपने? फिर हमने अनिल जी हमें मिले और खादी ग्राम उद्योग से हमने 3 लाख का ऋण लिया और फिर हमने यूनिट स्टार्ट करी। कितना अचार अब आप निकाल रहे हैं और क्या मानते हैं, कुछ मिला है वहाँ से सहयोग और कितना सहयोग? सर, हमें बहुत सारा सहयोग मिला और हम महीने में 10 से 12 हज़ार रुपए कमा लेते हैं इससे, अचार से। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, जिस तरीके से आपको स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार से आपने लोन लिया और आपके अधिकारी भी जो है मदद कर रहे हैं? सर, अनिल जी ने हमारी बड़ी मदद करी, अनिल दलाल जी ने, और लोन हमें आसानी से मिल गया, उसने हमारी लोन दिलाने में बड़ी मदद करी है। तो क्या क्या मशीन आपने खरीदी उसमें से? उसमें हमने चिली कटर खरीदा है, मिक्सिंग की मशीन। सर, ये हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, PMEGP स्कीम है, इसमें हम 25 लाख तक लोगों को लोन देते हैं। उस पर 25% जनरल के लिए 25% है, OBC ओवर एक्ट सर्विसमैन और लेडीज के लिए 35% सब्सिडी है, जिसका अभी ये श्रीमती अंजुरानी ने हमारे से 3 लाख का लोन लिया और अपना अचार का बढ़िया काम शुरू किया है, जिसका हमारे आउटलेट हैं, जैसे हमारे खुद 2 खुल चुके आउटलेट और 2 खुलेंगे तो वहाँ भी इनका सप्लाई करेंगे हम। तो इसके हमारे सहयोग से जितनी भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हमारा सामान जो आउटलेट हमारे उनके हमारे जो यूनिट बनाती है वही हमारा हैंडमेड सारा आइटम जाता है यूनिटों पर, आउटलेट पर बेचते हैं। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग जिस तरीके से कई देखे हैं परेशान रहते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है तो आपके पास अप्लाई करें तो किस तरीके से पहुंचे? सर, हमारे पास अब ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन पोर्टल हमारे, उसके बाद हम 1 हफ्ते के अंदर बैंक को फॉरवर्ड कर लेते हैं, 1 महीने का प्रोसेस है बैंक का, उसके बाद उसको सबसे पहले
लोन मिल जाता है और उसके बाद सब्सिडी दे देते हैं। हमारे काफी लोग और उसकी मदद भी करते हो कभी बाद में आउटलेट पे उसका सामान मिल सर जहाँ तक होता है वही। और दूसरे भी है जैसे हमारे नेफेड से बक्स से कॉर्पोरेशन का काम चल रहा है हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो हम उनको पूरा सहयोग करते हैं। हमारे आउटलेट पे भी लोगों का सारा सामान जाता है। खबरों में अब रुक करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती हुई महंगाई के बीच बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विवेक बंसल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट बल्कि इंडस्ट्री के अलावा आम जनता की जेबों पर भी नजर आने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस लगातार लोगों की आवाज सुनकर इन मुद्दों को उठा रही है। विवेक बंसल ने कहा कि आज सब्जियां तो महंगी हुई हैं जिससे लोगों की रसोई का जायका बिगड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की सामग्री भी इतनी महंगी हो चुकी है कि आज लोग अपना आशियाना बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद स्तरीय कार्यक्रम रखा, पहले हमने प्रदेश मुख्यालय पे किया है। आपको शायद ये पता होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय उससे पहले जब मूल्य वृद्धि हुई थी गैस सिलेंडर में, तुरंत हमने जनपद स्तरीय पे भी हमने प्रदर्शन वो कराए थे। और आज हम जनपद स्तर पर हमारे सब शीर्ष नेता 11 से 13 के बीच में सब अपने अपने जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आप कैसे जनता को अवगत कराएंगे आप ये बताइए। आप प्रदर्शन होगा, प्रेस होगी, आपके माध्यम से ही तो खत्म कराएंगे। आपने इस पर ज़रा कहीं ना कहीं आपको ये ठीक नहीं लगा, तो मैं आपको ये कार्यक्रम और आप कुछ सुझाव दीजिए बात करेंगे। और आंदोलन भी हमने किया, हमने प्रदेश मुख्यालय पे चंडीगढ़ में हमने किया था धरना प्रदर्शन। प्रदेश मुख्यालय से हम लोग निकले थे और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। और कोई आपके बीच में आपको कोई सुझाव हो तो उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। देखिए उस सबको सुलझाने का, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उसको हम लोग सुलझा रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग किसी न किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और पार्टी जैसा हमने कहा हर चीज़ से सबक लिया जाता है। पंजाब से आपने बिल्कुल आपने उस तरफ सही इशारा किया, उससे हम लोगों ने एक सबक लिया है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंचते हुए बात बड़ी से बड़ी बिगड़ी हुई बात संवरती है। विमर्श से, विचारों से, खुले मन से, और हमारा और हम तीनों को अपनाएंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम जो हमें करना चाहिए या जो जनता की अपेक्षा है या जो कांग्रेस जनों की अपेक्षा है उसके अनुभूत हम लोग मजबूती की। देखिए 2.5 साल के करीब तो जब से मैं आया कोविड में था, पर उसके बावजूद भी हमारी गतिविधियां चलती रहीं। AICC के जो कार्यक्रम समय समय पर आते रहे उनको प्रभावी रूप से हमने उनका क्रियान्वयन किया है। और संगठन देखिए जो 8 साल से संगठन नहीं था उसको कर रहे हैं। करते करते जो चीज़ कोई बिगड़ी होती है तो उसे समेटने में समय लगता है, उसे कर रहे हैं और हम लोग सही समय पर कर लेंगे। और सही सबकी सबको साथ लेकर सबकी सबको उसमें समायोजित करते हुए करेंगे। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।